साई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ ईस्ट पटेल नगर में, जहाँ पर लगातार पिछले आज नौवा साल है, पिछले आठ सालों से और आज नौवा साल में लगातार नौवा यहाँ पे दीपदान महोत्सव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जा रही है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। इस्कॉन के जो महाप्रभु हैं केशवदास मुरारी जी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो कि अभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनका जो धर्म है, धर्म प्रचार प्रसार करेंगे। लगातार पिछले तमाम जो है कई सालों से वो लगातार भगवान कृष्ण की भक्ति में इस्कॉन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी महान विभूति से आपको दर्शन करने का, उनकी वाणी को सुनने का अवसर मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को जो लगातार यहाँ पर नौ वर्षों से कर रहे हैं सुकांता गोपीनाथ जी हैं, मैं अभी आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। लीजिए, बहुत सौभाग्य की बात है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांता गोपीनाथ जी सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप लगातार नौ वर्षों से यहाँ पर दीपदान महोत्सव मना रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक दीप इस माह में, इस मास में दिखाने से हमारे जन्मों जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तो हमारे भक्तों को इस विशेष अवसर पर क्या कहना चाहिए? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कार्तिक जी एक ऐसा त्यौहार है, मास है, इसके अंदर केवल एक बार अगर हम दीप दिखाएं तो हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो पलक झपकने से पहले नष्ट हो जाते हैं। होगा क्या इससे? इससे होगा ये, अगर हम 30 दिन दिखाएंगे तो हमारे 30 अरब से भी ज़्यादा पाप, जन्मों के पिछले जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे और हमारा ये जीवन जो है वो सुधर जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि भाई जब तकलीफ आती है तो एक ही कहते हैं हमें किस जन्म का पाप, पापों की सजा मिल रही है। तो इसीलिए ये बहुत सुनहरा अवसर है, सब लोग जो है कार्तिक के अंदर दीपदान करके अपने जन्मों का पाप भगवान के लिए थोड़ी सी भी भक्ति अगर करेंगे तो भगवान उसका कई करोड़। बहुत धन्यवाद। आयोजन को लेकर भी कुछ कहना चाहिए? आयोजन जो है ये अकेला मेरा नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का है और सबसे विशेष ये दामोदर जी स्वयं जो है वो जिसके घर जाना चाहते हैं वो चले जाएँ, क्योंकि हमने कई बार देखा है लोग कई बार बुलाते हैं लेकिन उनका कैंसिल हो जाता है, और कई सालों से है ऐसा। जिसके पास दामोदर जी जाना चाहते हैं किसी के ऊपर कृपा होती है। ये कह सकते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है, उनकी इच्छा के बिना कोई पत्ता तक नहीं हो सकता। आपने बहुत सी बार इस बात को सुना होगा। बिल्कुल, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और हम लोग जो है केवल उनके दास हैं और हम लोग सिर्फ उनके दासों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप इतने सुंदर तरीके से हमारे यहाँ प्रोग्राम कवर करने आए, सो मच, और सभी भक्तों का आज दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसमें स्पेशल मुरारी प्रभु जी का, मेरे माँ बाप का, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से जो है हमारा पालन पोषण करके राह दिखाया और आगे भक्ति में बढ़े। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ। अरे न्यास जी, I'm not afraid of the dark.
हरी बोल। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कीर्तन करने के लिए। हम सब लोग एक बार कृतज्ञता से तालियों से एक बार तालियां बोलेंगे। हम तो इनका नाम है योगेश्वरी ललिता माता जी और उनके साथ भक्ति लावण्या उनकी बेटी और प्रकृति, साथ में केशव और प्रभु जी हमारे रोहिणी से अजन्मा प्रभु। तो इन सब के लिए एक बार जोर से तालियों से धन्यवाद और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र इन सब के लिए बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी एंड ऑल योर टीम फॉर सच अ वंडरफुल कीर्तन। और कीबोर्ड पे है श्री कृष्ण प्रभु साक्षात हमारे साथ और पूरे सागर पे शीर सागर के साथ श्री कृष्ण जी भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नॉट द लीस्ट, अब एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब डिवोटीज एक बार खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और हरे कृष्ण महामंत्र और तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे बहुत सीनियर वैष्णव और इस्कॉन पंजाबी बाग और इस्कॉन रोहिणी के कीर्तन सम्राट हिज ग्रेस केशव मुरारी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो केशव मुरारी प्रभु जी इस काम के लिए नए नहीं है और जितने भक्त यहाँ पे नए आए प्लीज बैठ सकते हैं आप सब प्लीज। थैंक यू सो मच। और जितने भी भक्त जो है वो नए आए हैं जो इस्कॉन से अभी जुड़े हैं इस दीपदान के माध्यम से, केशव मुरारी प्रभु जी बहुत सीनियर डिवोटी हैं, इज अ ब्रह्मचारी और इन्होंने पूरा अपना जीवन जो है वो भगवान के लिए जो है वो समर्पित किया है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का एंड वेलकम प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जो पिछले एक महीने से इस पटेल नगर और पटेल नगर के लोगों के घर जा जाकर पूरा महीना दीपदान करा रहे और बताते हैं कि दीपदान का इतना महत्व है कि हमारे बैंक अकाउंट खाली करा दिए सुकांता गोपीनाथ ने। आपको भी कौन सा बैंक अकाउंट? ये वो बैंक अकाउंट है जो हम जन्मों जन्मों से जब जब हमें मनुष्य जन्म मिला और जब जब हमने इतने पाप किए उस पाप का जो स्टोर हाउस है कहते हैं कार्तिक के महीने में भगवान को दीप दिखाने से खत्म हो जाता है। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों को लगता है हमारा नुकसान हुआ? सारे पाप खत्म करवा दिए उन्होंने माने। कितने लोग बुरा लग रहा है, नाराज हैं, इनसे दुखी हैं, कोई नहीं। तो जितने हैं नाराज हैं वो हाथ नीचे रखे। हाँ देखो सारे ठीक है। तो बताते हैं ये महीना बहुत पावन है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं सबको कि कोई कितना ही व्यक्ति पापी क्यों ना हो, दुष्ट क्यों ना हो, नाना प्रकार के अपराध क्यों ना किए हो, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कार्तिक मास में थोड़ी सी भी भक्ति कर ले, भगवान का नाम ले ले, भगवान को दीप दान कर ले, तीर्थों का भ्रमण कर ले, कुछ नहीं कर सकता तो सुबह जल्दी उठ जाए, नहा ले और भगवान का नाम जप कर ले, तो ऐसा व्यक्ति इतने पाप समाप्त हो जाते हैं उसके कि जितने कर भी नहीं सकते। अच्छा अपने को कुछ फील होता नहीं है, कोई बर्डन फील हो तो पता चले कि हाँ जितना बर्डन था वो खत्म हो गया, तो हमें फील हो। हम लोगों के इतनी आदतें बन गई कि कई तरह के पाप तो हम रोज ही करते हैं, है ना। जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो उसके साथ काफी बैक्टीरियाज हमारे मुंह में आकर मर जाते हैं, है ना। जैन धर्म में कपड़ा लगाते हैं मुंह में कि बैक्टीरिया से बचा हो ना हो। इसी तरह कुछ बैक्टीरियाज पानी में भी होते हैं, जब हम पानी पीते हैं कई तरह के बैक्टीरिया जम इसके अंदर भी मर जाते हैं, उसका भी पाप लगता है। कई बार हम जो बॉडी को रब करते हैं तो एयर में बैठे हुए भी हमारी बॉडी में बैठे हुए उनका भी क्या होता है, नाश हो जाता है। चलते हुए कई बैक्टीरिया इंसेक्ट्स हम खत्म कर देते हैं,
और जब घर में कुकिंग करते हैं तो एयर में जितने बैक्टीरिया उसमें आके मर जाती है, तो कितने तरह के पाप तो हमसे वैसे ही होते हैं। ये वो पाप है जो अनजाने में हो रहे हैं और जिनको रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा ऐसे बहुत से पाप हैं जो हम जानबूझकर भी करते हैं, छुपके से करते हैं, अनजाने में जानबूझकर एक्टिंग करके करते हैं, है ना। कोई अपना ईर्ष्या वाला जिन बंदा हो, जिससे द्वेष हो, जिससे हमारी बनती ना हो, है कि नहीं, थोड़ा उधर भी कर देते, तो हर तरह के पाप करते हैं, कुछ जानबूझ कर कुछ अनजाने में। तो बताते हैं ऐसे सारे पापों की क्षमा या इन सारे पापों के रिएक्शन खत्म हो जाते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का जप करता है। और कार्तिक मास में तो बहुत आसानी से हम लोगों को इसका लाभ पहुंचता है, बहुत आसानी से। इसलिए कार्तिक के अभी लास्ट 4-5 दिन है, आज द्वादशी है, तो बता दें भीष्म पंचक मनाना चाहिए लोगों को, और जिन्होंने नहीं किया, जो छूट गया, वो भी पंचक के दिन कर ले, ताकि पूरे महीने का फल मिले। तो क्या जाता है हमारा बताइए, भगवान ने कितना अच्छा ऑफर दिया, जो बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े गंधर्वों को, बड़े बड़े योगियों को, ट्रांसेंडेंटलिस्ट को, बड़े बड़े भक्तों को, यज्ञ करने वालों को नहीं प्राप्त होता, इतनी मेहनत इतनी तपस्या करने के बाद भी कार्तिक में अगर कोई व्यक्ति भगवान को दीप दान कर देता है, ये निरंतर जप करता है या भगवान की कथा श्रवण करता है, ग्रंथ पढ़ता है या तीर्थों में भ्रमण करता है, तो वो सारे फल उसको आसानी से मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी टीम का। हरे कृष्ण।
नमामि शरं सच्चिदानंद रूपं न सत्कुंडलं गोकुले वाजमानं नमामि शरं सच्चिदानंद रूपं न सत्कुंडलं गोकुले वाजमानं यशोदा धियो लोकनाथ बमानं परम समान संत तो बुद्ध बोया यशोदा धियो लोकनाथ बमानं परम समान संत तो बुद्ध मोहन दुग्मं भिजन्तं करं भुज योग में न सातं कनेत्रं Oh,
आज के हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी हैं, और शिरकत किए सबने हमारे चैनल के माध्यम से आज आपको धन्यवाद जी, राधे राधे सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहूँगा। जैसे किसान अपने खेत में बीज डालता है तो वो बोलते हैं उल्टा उल्टा सीधा जामी खेत पड़ा जो बीज, है ना, तुलसी अपने राम को रीज बजो चाहे खीज, उल्टा सीधा जामी जो खेत पड़ा जो बीज। अगर खेत के अंदर जो हम बीज डालते हैं वो उल्टा सीधा आड़ा पीछा होता है फिर भी वो उगता है, फसल देता है। तो इस प्रकार आप उठते बैठते सोते जागते वक्त प्रभु का स्मरण कीजिए, आपको प्रभु के स्मरण से आपकी फसल भी ऐसे लहलाएगी आध्यात्म की फसल जैसे किसान की खेती की फसल लहलाती है। इसके साथ में मैं कहना चाहूँगा आप जैसे भक्त जो भाई नरेश जी हैं जो यहाँ आध्यात्म की दुनिया में आप सबके साथ तंत्र से करने मिला के संस्कार सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इनका धन्यवाद। जैसे कि कुछ लोग कहते थे कि प्रभु जी अब कथा संभव नहीं है, अब हम अधर्म ज़्यादा बढ़ गया है, हालांकि ये मेरा विषय नहीं, फिर भी कहते हैं अधर्म ज़्यादा बढ़ गया है, अभी अब कथा संभव नहीं है, कथा में वो भाव नहीं आ पाता है, अब दुष्टों की भरमार ज़्यादा हो गई है, जैसे हमारे नरेश भाई जी ने थोड़ी देर पहले कहा। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा जब श्री कृष्ण जी भगवान का टाइम था उस टाइम पूतना कंस जरासंध जो वो दुष्ट थे, क्या इस समय के बड़े दुष्ट हैं या वो ज़्यादा बड़े दुष्ट थे? तो दुष्ट तो दुष्ट की प्रवृत्ति करेगा और आध्यात्म के जो लोग आध्यात्म की करेंगे। आप अपने भगवान को याद करते रहिए और आपके संस्कार आपके व्यवहार आपके आचार आपके विचार इनसे पता लगता है आपने कहाँ से अध्ययन किया है, कहाँ से कौन से कुल से हैं, कौन से आपका गुरुकुल है, कौन सा आपका परिवार है। आप अपने आहार को और आचार को संयमित रखें। जय श्री राधे, जय श्री। बहुत धन्यवाद आपका, इतने सुंदर इतने कीमती विचार अध्यात्म को लेकर आपने सुने एक पुलिस जो अफसर के द्वारा, तो आप सभी का बहुत स्वागत है और आइए मिलते हैं। नरेश कुमार जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और हाल ही में अब जो आगामी चुनाव है इनकी मिसेज जो है चुनाव लड़ने वाली है, तो बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आज का इस कार्यक्रम के लिए मैं मंडल जी को, उनकी टीम को और हमारे असिस्टेंट साहब कुलदीप जी को, जिन्होंने धर्म के बारे में जो भी कुछ कहा वो एक एक बात सत्य, और जो उन्होंने बीज वाली बात कही कि जो हम अपने परिवार में अपने संस्कारों में उसको लाल करेंगे तो हम वैसे ही बनेंगे, तो इससे तो अच्छा यही रहेगा अपने धर्म को पहचाने, अपने धर्म के साथ जुड़े, अपने धर्म के साथ अपने परिवार दोस्तों बच्चों को उनको जोड़े सभी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विश्वनगर मार्केट के प्रधान सुभाष शर्मा जी है, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आज का इस धर्म के पावन अवसर पर, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है धर्म को ऊंचा उठाने के लिए बढ़ाने के लिए। आप क्या कहते हैं? हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं जो कि एजुकेशन की दुनिया में वर्षों से यहाँ पटेल नगर में जाना माना नाम है और भारतीय जनता पार्टी के जिला में महामंत्री हैं, साथ ही जो वहाँ के प्रधान हैं। तो यही महान अवसर पर आप यहाँ पर बहुत स्वागत है हमारे चैनल। कल आप सभी धार्मिक कार्यक्रम की सभी चैनल की नई नई बातें, लेकिन आप आपको क्या हर कार्यक्रम आप आपका अब बाकी जैसे हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा होता है वो हमेशा अच्छे काम ही करता है, क्योंकि संसार के अंदर जो धर्म से जुड़े हैं उसके अंदर संस्कार
हमेशा और संस्कारों भैया लोग खाना को लेकर संस्कारों से जुड़ा है, उसके उसका स्वभाव हर चीज समाज के लिए अच्छा काम करता है। तो बस यही है कि सब लोग अपने धर्म को हमेशा प्रचार करें और अपने धर्म का प्रसार करें और हमारा धर्म जो है सनातन धर्म उसके पूरे जड़ की जहाँ खड़ा हूँ सोच के रहे पूछे मैं आ जाओ और बस सनातन धर्म ले भैया के आगे खड़ा हो जा भैया बहुत बड़े हैं कोई दिक्कत और हमारे साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमें जो एक सेकंड भूमिका भी निभाई थी तो प्रभु को प्रणाम है। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ हीरो बनने का लड़का बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ केशव मुरारी दास जी जो कि उत्तराखंड से हैं और पिछले कई वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन दे रहे हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आज यहाँ दीपदान महोत्सव में जो कि यहाँ पर लगातार आज नौवा यानी कि 9 वर्षों से लगातार यहाँ पर दीपदान महोत्सव हो रहा है और इस कार्यक्रम में जो है शामिल होते हैं और हम सभी को जो भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं उनके जो धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस महान अवसर पर भक्तों को आप विशेष रूप से क्या कहते हैं? हरे कृष्ण। बिल्कुल जी, हम लोग पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। ईस्ट पटेल नगर जैसे एरिया है, सब लोग अपने में मस्त रहने वाले लोग हैं, लेकिन सुकांता गोपीनाथ उनकी टीम पिछले 9 वर्षों से जो है यहाँ पर प्रचार कर रही है और धीरे धीरे हम देख सकते हैं बच्चे भी जुड़ रहे हैं, जो बड़ी गर्ल्स टीनेज बच्चे भी जुड़ रहे हैं, बड़े लड़के भी जुड़ रहे हैं और पेरेंट्स भी जुड़ी रहे हैं। और सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है बताया जाता है कि हम लोग जो अभी इस तरह की भक्ति हम घरों में करते थे, आज ये वक्त है, आज ये देवी देवता, आज ये गुरु, तो हम लोग कैसे, हमारा कोई स्टैंड ही नहीं था। लेकिन इस काम में एक बड़ी सुंदर ढंग से कृष्ण जो भगवद गीता और भागवत के आधार पर समझाई जाती है, तो यही काम है और इस प्रकार जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसी संदेश के साथ श्री गोपाल जी हमें लगे और 14 साल के प्रचार में 11 साल के प्रचार में 14 बार भ्रमण किए, 108 मंदिरों का निर्माण किया और 10,000 से भी ज़्यादा शिष्य हुए और आज 70 वर्ष की उम्र में अगर कोई व्यक्ति इतना कर सकता है तो आप तो जवान हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, शक्ति भी है, पैसा भी है, एनर्जी भी है, क्यों ना हम उसको पॉजिटिवली और संसार को समाज को सही करने में। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग हमसे जुड़ें, धर्म का ज्ञान लें, धर्मों और रक्षा के रखने का। आज समाज में लोग कन्फ्यूज हैं, गुरुओं को लेकर कन्फ्यूज हैं, फिलासफी को लेकर कन्फ्यूज हैं, धर्म के नाम पर कम्युनल वार्स हो रही है, लोग कन्फ्यूज हैं कि धर्म इतना लड़ाता क्यों है, धार्मिक लोग उसके गुस्से वाले क्यों होते हैं, धार्मिक लोग उसे पठान काम क्यों करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो लोग प्रमाणिक समुदाय से नहीं है, दूसरा गीता भागवत के उसको पढ़ते नहीं है, तीसरा कोई उनके पास ऐसे गुरु नहीं है जो आत्मसंयमी हो। तो इस काम में भगवान भारी संख्या में जो है लोग बहुत अच्छे ढंग से अच्छी साधना का पालन करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर रात को 10 बजे तक उनकी साधना रहती है, प्रचार कार्य रहते हैं। तो हमें ऐसी संस्था से जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने जीवन में भक्ति को उतारना चाहिए तो हम देखेंगे हमारे अंदर जितनी भी कमियाँ हैं, जितनी गलत गलत आदतें हैं वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगे। जब विदेशियों की चरस गांजा छोड़ दी तो भारतीय लोग तो दिक्कत नहीं है, ये लोग तो बहुत आसानी से चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं भारत अब मीट ईटिंग में, मीट एक्सपोर्ट में और एडिक्शंस में नंबर 1 होता जा रहा है, डाइवोर्स केसेस 40 से 50% हो गए। तो इसका मतलब क्या, पाश्चात्य देश से ली गई संस्कृति हमारा नुकसान कर रही है और पाश्चात्य देशों ने भारत की संस्कृति को ले लिया तो अपना फ़ायदा कर लिया, तो बुद्धिमान को इशारा ही काफ़ी होता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो साधना करना शुरू करे, हरे कृष्ण नाम करना शुरू करे, गीता पढ़ना शुरू करे, तो सारे प्रश्न समस्याओं का समाधान है। ये आज हम लोगों ने यहाँ से संदेश दिया, हम देख सकते हैं दीपदान का फेस्टिवल था, सबने दीपदान किया, भगवान कृष्ण कहते हैं दामोदर मास में अगर कोई इनको दीपदान करता है तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन पाप खत्म करने का मतलब ये नहीं अगले दिन से फिर शुरू करो, हमें चाहिए कि पाप खत्म होने के बाद हम शुद्ध हो गए, साफ हो गए और हरिनाम रोज लें और पाप करने की प्रवृत्ति को हमेशा ही खत्म करें, यही इस कार्यक्रम का संदेश है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर वाणी। प्रभु जी एक बात आप हमेशा कहते हैं कि सभी धर्म हमारे हिंदू धर्म के अलावा धर्म है, इसमें उनको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन हमारे जो धर्म में जो भगवान कृष्ण की बात है एक बार हमारे चैनल के माध्यम से। यह बड़ा सिंपल और बहुत साफ तरीका है धर्म को समझने का। हम देखते हैं पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में, उन धर्म ग्रंथों में
भगवान का ही गुणगान किया गया। भगवान का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन है वो भगवान का ही गुणगान। जैसे भारत में दो दो चार होते हैं, अमेरिका में 2+2=4 होते हैं, एशिया में द्वादा चिश्ती होते हैं, केरला में दंड दंड नाल होते हैं। इसका मतलब बात तो वही हो रही है दो दो चार की लेकिन शब्द अलग है। उसी प्रकार भगवान एक हैं, उनके नाम अनेक हैं लेकिन अन्य ग्रंथों में समय काल और परिस्थिति को लेकर जब देखा गया कहीं धर्म पालन नहीं हो रहा, लोग बड़े विमूढ़ हो चुके हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, तो भगवान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर एक घर में ग्रंथ उतारा, अपना नाम चेंज करवाया, दूध और डोंट्स बताए भक्ति के, और इस तरह से उस धर्म को उसको शक्ति की रक्षा की। इसलिए हम देखते हैं दुनिया भर के ग्रंथों में भगवान का ही नाम है और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव भगवान का गुणगान करते हैं। लेकिन हम देखते हैं भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान अपने बारे में बताते हैं, तो ये पता चलता है कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई और अपने विषय में संसार के विषय में उनसे अच्छा कोई स्पष्ट नहीं बता सकता, बाकी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि भगवान तो एक ही, भगवान दो नहीं हो सकते जिन्होंने संसार बनाया। तो इस तरह से बताया जाता है कि जहाँ पर भगवान रहते हैं, कुरान में बताते हैं कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ पर सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर सेल्फ इल्यूमिनेशन है, अपना प्रकाश निकलता है जमीन से, भगवान के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है और जो लोग वहाँ चले जाते हैं वो लौट कर नीचे नहीं आते। बाइबल में रेवोल्यूशन 22:5 खुली, उसमें बता रहे हैं कि गॉड जहाँ रहते हैं वहाँ चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, सेल्फ इल्यूमिनेशन है और जो वहाँ चले जाते हैं वो शाश्वत रूप से वहीं रहते हैं। आप ग्रंथ साहब खोलिए, राग गरुड़ गाड़ी मल्ला हसपुरा चार के बारे में बताएं, नाम नहीं कह रहे हैं, गोविंद का एक ऐसा धाम है ना तो जहाँ सूरज है ना चंद्रमा, जो लोग वहाँ चले जाते हैं वो लौट कर नीचे नहीं आते। आप भगवद गीता खोलिए 15:6 श्लोक, ना तद भास है सूर्य ना शशांक ना पावका यद गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद धाम परम। कृष्ण कह रहे हैं मेरा वो धाम ना तो सूर्य से चमकता है ना चंद्रमा से, और जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो लौट कर नीचे नहीं आते। इन चारों ग्रंथों में एक ही बात कही गई, अंतर केवल यह है, सब लोग बोल रहे हैं अल्लाह का धाम, कोई कह रहा है गॉड का धाम, कोई कह रहा है गोविंद का धाम, कृष्ण कह रहे हैं मेरा धाम। तो बड़ा सिंपल है, अगर हम सब कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं तो पता चल जाएगा कि हम सबका बात एक ही है और हम सब उनके दास हैं, उनके पुत्र हैं और मिलजुल के रहना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कार्तिक मास का ये महान जिसमें आज यहाँ कृष्ण के पार्क में नौवा दीपदान महोत्सव किया गया, अरे यार ये कार्यक्रम की रिपोर्ट कैसी लगी जरूर अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने विचार हमारे को यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और इस खबर के साथ, इस कार्यक्रम के साथ मैं मुक्सिंग गुसाई अपने कैमरा मैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द अगले कार्यक्रम में इस खबर के साथ मैं आपको मिलूँगा। सबसे ज़्यादा बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।